आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। बिलोरा गांव का कब्रिस्तान बहुत ही डरावना था। कोई भी इंसान रात में कब्रिस्तान के अंदर कदम रखने की हिम्मत तक नहीं करता था, और इसका कारण था मुर्दों की आहट। जब भी कोई इस कब्रिस्तान से अकेला आता या जाता था तो मुर्दे उनका पीछा करते थे, और वो जैसे ही उन मुर्दों की आहट सुनकर पीछे घूमता तो वहीं पर उसकी मौत हो जाती थी। बिलोरा गांव के कई लोगों को कई कहानियां सुनाते थे। तभी अनिल बोलता है, मेरे मामा जी एक रात कब्रिस्तान के रास्ते से आ रहे थे। वो डरे हुए थे, इसलिए हनुमान मंत्र पढ़ते हुए आ रहे थे। उन्हें कब्रिस्तान के भूतों के बारे में पता था। फिर उन्हें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी और वो सीधे सामने देखकर चलने लगे, और फिर उन्हें मामी की आवाज़ सुनाई दी, और मामी की आवाज़ सुनते वो पीछे मुड़ गए, और फिर मुर्दे घसीटकर उन्हें कब्र में ले गए। तभी मन्नू बोलता है, तुझे ये सब कैसे पता चला? इस पर अनिल बोलता है, क्योंकि अगली सुबह तक मेरे मामा जिंदा थे, उन्होंने अपने साथ हुआ सब कुछ मेरे पिताजी को बताया, और पिताजी ने मुझे बताया। इस पर मन्नू फिर बोलता है, फिर तो वो कब्रिस्तान बहुत खतरनाक है। इस पर राम बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सुना है बूढ़ा मुकेश उस कब्रिस्तान का सालों से रखवाली कर रहा है। इस पर मन्नू बोलता है, हाँ वो तो है, अगर उस कब्रिस्तान में मुर्दे हैं तो मुकेश अभी तक जिंदा कैसे है? इस पर राम बोला, चलो उसी से पूछते हैं। तीनों गांव वाले सच जानने के लिए मुकेश के पास पहुंच गए। तभी अनिल बोला, मुकेश काका मुझे आपसे कुछ जानना है। इस पर मुकेश बोला, यही ना कि इस कब्रिस्तान में मुर्दे सच में जिंदा होते हैं या नहीं। तो सुनो, रोज रात इस कब्रिस्तान का हर मुर्दा जिंदा होता है, और हर जिंदा इंसान का पीछा करता है। इस पर मन्नू बोला, अगर ऐसा है तो तुम्हारा भी तो पीछा किया होगा, तुम अभी तक जिंदा कैसे हो? इस पर मुकेश बोला, इसके लिए तुम्हें मेरी एक कहानी सुननी होगी। इस पर राम बोला, हाँ तो सुना। फिर मुकेश ने बताना शुरू किया। आज से लगभग 35 साल पहले की बात है। मैं और मेरा दोस्त सुरेश दोनों अनाथ थे और काम की तलाश में बिलोरा पहुँचे। यहाँ हम इस चर्च में फादर एंथोनी से मिले और फादर से बोले, फादर हम दोनों यहाँ काम की तलाश में भटक रहे हैं, क्या आपके पास हमारे लिए कोई काम है? इस पर फादर ने कहा, काम तो है बच्चा, मगर बहुत डेंजर है, तुम दोनों का जान भी जा सकता है। इस पर सुरेश बोला, वैसे भी हम भूख से तड़प तड़प कर मर ही जाएंगे, इससे अच्छा है कि कुछ काम ही मिल जाए। इस पर फादर ने कहा, ठीक है। फादर एंथोनी हमें कब्रिस्तान में ले गए और फिर बोले, ये बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है, यहाँ अंग्रेजों की कब्र है, तुम्हें इस कब्रिस्तान का रखवाली करना है। इस पर सुरेश बोला, भला इस कब्रिस्तान में रखवाली की क्या जरूरत है? इस पर फादर बोले, कब्रिस्तान को रखवाली की जरूरत नहीं है, पर तुम्हें यहाँ आने वाले लोगों को रोकना होगा, तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी। इस पर मुकेश बोला, पर कैसे? इस पर फादर ने कहा, इन मुर्दों से, ये मुर्दे रात के अंधेरे में, ये सारे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और जिंदा इंसानों का पीछा करते हैं। जो भी इनकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ता है उसका अंत तय है। इस पर सुरेश बोला, फिर तो वो मुर्दे हमें भी मार डालेंगे अगर हम पीछे मुड़ गए तो। इस पर फादर ने कहा, हाँ अगर पीछे मुड़े तो, इसलिए तो कहा था ये काम जोखिम भरा है, सोच लो तुम दोनों ये काम करना चाहते हो या नहीं। हम दोनों के पास कोई और रास्ता नहीं था, पेट की भूख शांत करना ज़्यादा ज़रूरी था, इसलिए हमने हामी भर दी और उसी रात से हम कब्रिस्तान की रखवाली करने लग गए। कुछ रात तक तो सब कुछ ठीक था,
एक रात हमें लगा कि जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है। तभी मुकेश ने कहा, सुरेश हमारे पीछे कोई है, लेकिन गलती से पीछे मत मुड़ना, चुपचाप गेट तक चल। हम लोग डरते हुए गेट तक आए और सुबह होने तक वहीं पर बैठे रहे। और कई बार हमारे साथ ऐसा हुआ और हम बार बार गेट पर आकर बैठ जाते हैं। मुर्दे पता नहीं क्यों गेट तक नहीं आ पाते थे। कई साल बीत गए, हम बिलोरा गांव में खुश थे। सुरेश को एक लड़की गौरी से प्यार हो गया था। वो छुप छुप कर गौरी को देखा करता था। एक बार जब हम कब्रिस्तान में रखवाली कर रहे थे तो फिर से मुर्दों ने हमारा पीछा शुरू किया। हम हमेशा की तरह गेट की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। तभी हमें मुर्दों की आहट सुनाई देने लगी, लेकिन फिर भी हम चले जा रहे थे। अचानक सुरेश को गौरी की आवाज सुनाई दी, सुरेश सुरेश मुझे बचा लो। सुरेश डर गया, उसे ऐसा लगा कि गौरी सच में खतरे में है। तभी मैंने कहा, दोस्त दोस्त पीछे मत मुड़ना, ये मुर्दे हमारे साथ खेल रहे हैं, पीछे मत मुड़ना। इस पर सुरेश बोला, नहीं मेरी गौरी को बचाना होगा। सुरेश पीछे मुड़ा और मुर्दों ने सुरेश को घसीट लिया। मैं अपने दोस्त को बचाना चाहता था, पर मैं क्या करता, मुझे पता था कि अगर मैं पीछे मुड़ा तो मेरा भी यही हश्न होगा। मैं रोते रोते गेट की ओर चल पड़ा और गेट पर पहुंचकर फूट फूट कर रोने लगा। सूरज उगते ही मैं अंदर आया और मुझे बस सुरेश की लाश मिली। तभी गांव के लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि मैं डरपोक हूँ, अगर मैं चाहता तो अपने दोस्त को बचा सकता था। इस पर फादर ने कहा, मुकेश तुमने जो किया सही किया, अगर तुम पीछे मुड़ते तो वो तुम्हें भी मार देते हैं। और फिर ये सब गांव वाले बोलते हैं कि तुम दोनों बेवकूफ थे और अपनी मौत मरे। बस वो दिन था, उसके बाद से मैं समझ गया गांव के कब्रिस्तान के मुर्दे किसी की भी आवाज में बात कर सकते हैं, उन्हें बस शिकार करना होता है। मैं 35 सालों से इस कब्रिस्तान की रखवाली कर रहा हूं ताकि और आदमी इन मुर्दों का शिकार ना हो सकें, पर गांव वाले इसे मनगढ़ंत सोच समझते आ रहे हैं। कुछ गांव वाले इन मुर्दों का शिकार भी बने, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। आगे सुरेश ने कहा, तुम लोग मेरी ये बात हमेशा याद रखना, पहले तो इस कब्रिस्तान के आसपास से बिल्कुल मत गुजरना, और रात के वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। और दूसरा, अगर कभी वक्त आ पड़े कि तुम्हें यहाँ से गुजरना पड़े तो मुर्दों की आहट सुनकर पीछे कभी मत मुड़ना। बूढ़ा मुकेश इतना बोलकर अपने काम पर निकल गया और यहाँ ये तीनों दोस्त बातें करने लगे। तभी मन्नू बोला, मुझे लग रहा है ये बूढ़ा मुकेश हमें कहानी सुना रहा है। तभी राम बोला, मुझे भी यही लग रहा है। इस पर मन्नू बोला, आज हम सच का सच और झूठ का झूठ पता लगा कर रहेंगे, आज हम तीनों कब्रिस्तान में आएंगे, वो भी रात को। रात के वक्त तीनों दोस्त कब्रिस्तान पहुंचे। कब्रिस्तान में अलग ही शांति थी। वो कुछ ही कदम चले थे कि उन्हें ऐसा लगने लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। तभी राम बोला, पीछे कोई है? इस पर मन्नू बोला, बूढ़ा मुकेश होगा, हमें डराने की कोशिश कर रहा होगा। इस पर अनिल बोला, हाँ वही होगा। तभी पीछे से आवाज आती है, अरे तुम तीनों यहाँ? मुकेश की आवाज सुनकर तीनों पीछे मुड़े और मुर्दों ने एक एक करके उन्हें भी घसीट लिया। कब्रों के अंदर सब मारे गए। काश ये तीनों बूढ़ा मुकेश की बात सुन लेते हैं तो आज इनकी जाने ना जाती। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। मेरा नाम राजन है, मैं मार्केटिंग में एक जगह काम करता हूँ। मेरी नौकरी की वजह से मुझे हमेशा यहाँ वहाँ घूमना ही पड़ता है। रात के समय बहुत बार लॉज या होटल में रुकता हूँ। वैसे तो उसका पैसा कंपनी देती है, लेकिन कुछ पैसे बच जाएं
इसलिए मैं छोटे होटल में रुककर ज्यादा का बिल बनवा लेता था ताकि वो जोड़ के ऊपर से कुछ कमाई हो सके। पर कभी सोचा नहीं था कि ये मेरी जान पर बनाएगा। मैं एक बार शाहपुर नाम के छोटे से शहर के लिए अपनी बाइक से निकला था। कंपनी का काम था और वहां से ऑर्डर भी लेने थे। शाम तक काम हो जाएगा इसलिए मैं जरा आराम से ही था, लेकिन सारे ऑर्डर्स लेते हुए रात के 8 बज चुके थे। अब अपने घर जाना मुश्किल था। सोचा कि यहीं कहीं सस्ता सा लॉज देख लेता हूँ, सो रात का ठिकाने का बंदोबस्त हो जाएगा। एक दुकान वाले से पूछा, अरे भाई साहब, यहाँ कोई लॉज है क्या? कोई सस्ता हो तो बताओ यार। उसने मेरी ओर देखा और अनदेखा करके बोला, यहाँ कोई लॉज नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ से 2 मील पे एक छोटा ढाबा है, वहाँ तुम खाना खाओ तो वो रुकने का इंतज़ाम कर देते हैं। मैं उसको मन ही मन में शुक्रिया बोलकर, तभी उसने आवाज़ लगाई। पीछे से वही दुकानदार आ रहा था। मेरे पास आकर वो रुक गया और बोला, हाईवे पे यहाँ से सीधे जाना, कहीं रुकना मत, सीधे वो ढाबे पर ही जाना, रास्ते में भूतों का डेरा है, तुम नए हो तो पता नहीं होगा, कोई रोके भी तो मत रुकना। मैं गर्दन हिलाकर वहां से चल गया। मैंने ऐसी बातें सुनी तो थी, पर यकीन कौन करता है आजकल। थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, हेलमेट के अंदर भी मुझे महसूस हो रहा था। मुझे ठंडी से जुकाम होता है इसलिए जैकेट पहना था। मैंने शहर से जैसे बाहर निकला, घनी सी झाड़ियां चालू हो गईं। एक बड़ा सा मोड़ आया तो मैंने गाड़ी जरा धीरे की और हॉर्न बजाया। तभी पेड़ के नीचे एक आदमी सोया दिखा। मैंने सोचा कोई भिखारी होगा या फिर कोई पी के पड़ा होगा। मैं बिना रुके वहां से चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद एक रोशनी दिखी। मुझे लगा कि वही ढाबा होगा जो वो दुकानदार बोल रहा था। पास जाकर देखा तो एक छोटा सा घर था। बाहर लिखा था होटल काया। एक दिया जल रहा था और बाहर एक कोने में आग भी जल रही थी। पास में कोई दिख तो नहीं रहा था तो मैंने बाहर से ही आवाज लगाई, कोई है? काफी देर के बाद एक दिया लेके एक बुढ़िया आई। वो काफी उम्र की लग रही थी, लकड़ी के सहारे चल रही थी। देखने से तो सब कुछ ठीक लगा तो मैंने उस बुढ़िया से पूछ लिया, अम्मा, यहाँ रात रुकने के लिए कोई कमरा मिलेगा? जो बनता है वो किराया दूंगा। मैंने सोचा कि ये क्या ही किराया लेगी, 150 देकर निकल जाऊंगा और सुबह 500 का बिल बना के ऑफिस में दे दूंगा, ऊपर का अपना ही फायदा होगा। इस पर वो बोली, हाँ, अगर खाना चाहिए तो वो भी मिलेगा। मैंने साथ में कुछ बिस्कुट और चिप्स के पैकेट रखे थे, ये सब मैं हमेशा साथ ही रखता हूँ। सोचा कि इसको रात को खाकर ही काम चला लूँगा। खाना बनाने में कितना टाइम लगे क्या पता। इस पर मैं बोला, नहीं अम्मा, मैं शहर से निकला तो खाकर ही आया था। आप बस एक कमरा दे दो, बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी निकलना है। वो इशारे से चलने को बोली। मैं उसके पीछे चला गया। घर अंदर से काफ़ी साफ सुथरा था। भीतर जाते ही दाहिने तरफ 2 कमरे थे, एक में मुझे छोड़कर वो चली गई। मैं भी थका हुआ था, थोड़े बिस्कुट खा लिए और साथ में लाया पानी पी के खटिए पर लेट गया। खटिया जरा छोटी थी, मेरे पैर बाहर लटक रहे थे। मैं पैरों को थोड़ा मोड़ के करवट लेके सो गया। थका हुआ था तो जल्दी नींद भी आ गई। मेरी आंख खुली तो 12 बज चुके थे। मैंने अपना मोबाइल उठाया तो पता चला मुझे कुछ कुतरने की आवाज़ आई। मैंने मोबाइल की टॉर्च चलाई तो देखा चूहा था। उसको भगाया और वापस सोने की कोशिश करने लगा। तभी बाहर से रोने की आवाज़ आई और साथ में कुछ तोड़ने की। मैं ज़रा चौंक सा गया। मोबाइल लेके मैं दरवाजे के पास गया। आवाज़ बाहर से आ रही थी। मैंने धीरे से बाहर झांकने की कोशिश की
पर वहां कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा बुढ़िया को आवाज लगाऊं, लेकिन वो इतनी रात में कहां जागने वाली है, ये सोचकर मैं चुप हो गया। हिम्मत करके धीरे से दरवाजा खोला। डर तो मैं तब भी गया, एक तो अंधेरा था, ऊपर से वहां बिजली नहीं थी, रात को अचानक ऐसे आवाज आएगी तो डर तो लगेगा ही। मैंने मोबाइल का टॉर्च ऊपर करके बाहर निकाला, आवाज बाहर के कमरे से आ रही थी। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की पर कुछ देख नहीं पाया। मुझे पहले लगा कि मेरे जैसे कोई मुसाफिर होगा जो रात के लिए रुका होगा और अपनी बीवी से झगड़ा कर रहा होगा, क्योंकि रोने की आवाज औरत की थी। मैंने दरवाजा खटखटाया तो एक झटके से दरवाजा खुल गया। मेरी धड़कनें एकदम से तेज हो गई। अंदर पूरा अंधेरा था, एक कोने में दिया जल रहा था, उसकी रोशनी में वो बुढ़िया बैठी थी। अब वो बुढ़िया बहुत ही भयानक दिख रही थी। वो मेरी तरफ अपनी लाल आंखों से देख रही थी। मैंने जैसे मोबाइल के टॉर्च को पूरे कमरे में घुमाया, मैं एक पल को चकरा गया। एक आदमी सफेद कपड़े पहन के, पूरे कपड़े खून से रंगे हुए थे, और वो लकड़ी के लट्ठे पर कुछ काट रहा था। वो जो आवाज आ रही थी वो काटने की थी, वो यहीं से आ रही थी। ये वही आदमी था जो शायद मुझे रास्ते पर पड़ा दिखा था। वो किसी औरत को काट रहा था और वो ही दर्द से रो रही थी। मेरा दिमाग एकदम से सन्न हो गया, पसीने से मैं तर हो गया था। भागना चाहता था लेकिन हिल नहीं पा रहा था। मैं चक्कर खाकर गिर गया, लेकिन नीचे गिरते ही खुद को संभाला। नीचे खून में गिरा था मैं। गिरते ही मेरे ऊपर चिपचिपे से कीड़े रेंगने लगे। उस बूढ़ी औरत के ऊपर भी कीड़े चढ़े हुए थे, हर तरफ सड़ने की बू आ रही थी। बुढ़िया अचानक से खूंखार हो गई, वो हथियार लिए मेरी तरफ बढ़ने लगी। मैं तड़प रहा था। वो जैसे ही मेरे करीब आई, मैंने दरवाजे को उसके मुंह पर दे मारा, वो नीचे गिर गई। मैंने पूरी ताकत लगा के खुद को खड़ा किया और भगवान का नाम लेके जैसे तैसे भागा, मानो ओलंपिक की रेस हो। मैं चिल्ला रहा था, बुढ़िया और वो आदमी मेरे पीछे दौड़ रहे थे। मैं रास्ते पर आ चुका था, वैसे ही नंगे पैर जान बचाकर भागा, पता नहीं कहाँ, लेकिन जहां रास्ता दिखे वहां। कुछ देर दौड़ने के बाद मैं थक गया और अब भागना मुश्किल था। थोड़ी दूरी पर फिर से एक रोशनी दिखी, लेकिन इस बार वो ढाबा था। मैं जान मुट्ठी में लेकर भागा। जैसे वहां पहुंचा जोर से चिल्लाने लगा। वहां पर काम करने वाले लोग उठकर आ गए और मैं बच गया। उन्होंने मुझे पानी पिलाया, तब मेरी जान में जान आई। सारी हकीकत बताने पर एक आदमी बोला, बेटा तेरी तकदीर में जिंदगी लिखी है, इसलिए तू बच गया, यह सालों से चलता आया है। वहां जो भी फंसा वो कभी वापस नहीं आया। वो होटल सबको नहीं दिखता है, वो एक शापित होटल है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक नई कहानी के साथ।